हेलो दोस्तों, अध्यास क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है पोटैटो ड्रमस्टिक करी। आलू और ड्रमस्टिक को धो के काट लिया है, साथ में प्याज और टोमेटो भी लिया है और एक शिमला मिर्च भी काट के लिया है। ये खड़े मसाले दालचीनी, तेजपत्ता, लौंग, जीरा और राई। एक कढ़ाई में 2 टीस्पून तेल लेके सारे खड़े मसालों को थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। उसके बाद प्याज डाल के थोड़ी देर तक चलाएंगे। प्याज हल्के से गुलाबी होने के बाद 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। उसके बाद 1 चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट डाल देंगे। बाद में टमाटर को डाल के फिर से अच्छे से चलाना है। अभी इसमें स्वाद अनुसार नमक और 1 टीस्पून लाल मिर्च की पाउडर डाल देंगे। अब कटा हुआ ड्रमस्टिक्स, आलू और शिमला मिर्च को डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें पानी डाल के एक बार अच्छे से चला के ढक्कन लगा के 8 से 10 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। बीच बीच में चलाते रहना है। पानी की मात्रा को कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। ये देखिए लगभग पक चुकी है। सब्जी के अंदर गाढ़ापन लाने के लिए मैंने थोड़े आलू को बाहर निकाल के उसको मैश करके सब्जी में मिलाया है। ऐसे करने से ग्रेवी गाढ़ा बन जाती है। अब इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला और थोड़े से कसूरी मेथी को डाल देंगे। फिर से एक बार अच्छे से मिला के 2 मिनट के लिए पकने देंगे। ये देखिए पोटैटो ड्रमस्टिक करी तैयार है। हरे धनिए से सजा के इसको रोटी, चपाती या राइस के साथ सर्व कीजिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।